जीरू, ओ मेरी नीरू। स्पार्कल तो बस मुझे दिवालियों में दिखता है, फुट 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 फुट। आपने सेवलॉन पिया है क्या? मैंने सेवलॉन नहीं पिया। इसको पीते ही आप एकदम बुल की तरह बन जाओगे। अरे ये तो खुला ही नहीं, ये तो देखो मेरे खोलने के बाद भी टिन गायब हो गया। ये पानी काला कैसे हुआ? आप मुझे बताओ ये पानी काला कैसे? चाट मसाले, गरम मसाले, काले मसाले, गोरे मसाले। बोलते थे चीनी नहीं डाली। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि इतने ही मिनरल वाला पानी मुझे पीना है, तो मैं यहाँ पे मेरे कुएं का पानी नहीं पीलूंगी। हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो जो आज का व्लॉग है वो है ट्राइंग एवरी कोल्ड ड्रिंक। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ बहुत सारी अतरंगी सतरंगी ड्रिंक्स। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे इतनी सारी ड्रिंक्स का लग गया है मेला। तो यहाँ पे मेरे पास है सस्ते से लेके महंगे तक, इंडियन से लेके इंपोर्टेड तक, और जूस से लेके कॉकटेल्स तक की सारी ड्रिंक्स हैं। इनमें से ना कई सारी ऐसी ड्रिंक्स है गाइस जो मैंने पहले कभी नहीं ट्राई करी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्या पता इनमें से कुछ अद्भुत अद्भुत सारी ड्रिंक्स क्योंकि मैंने ट्राई नहीं करी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अब सबसे पहले चलो भाई, सबसे पहले मैं शुरू करूंगी दी मोस्ट कॉमन कोल्ड ड्रिंक के साथ, वो है ये सब पेप्सी। और इसमें क्या बनाइए, देखो इसमें कुछ ऐसे करते हैं गाइस, देखो स्वैग स्वैग, हर घूट में है स्वैग। चलो भाई देखें ये कैसी है। अरे वाह, खुल गई आराम से, चम्मच से पी लो। पेप्सी में ना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चीनी होती है, ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तभी सही बोलते हैं ये ना एकदम बच्चों की ड्रिंक है। एंड गाइस, ये तो बताने ही भूल गई, ये मुझे पड़ी है 30 रुपए की। अब 30 रुपए से देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब कोक की तरफ, ये हो गई 40 रुपए की। एंड गाइस, मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि ये नो शुगर ड्रिंक है, मतलब चीनी भी नहीं डाली है, और 10 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए कोक के अंदर। बोलते थे चीनी नहीं डाली, बट है गाइस इसमें मिठास एकदम, जैसे मैं हूँ ना एकदम मीठी मीठी, वैसी इतनी सारी मिठास है इसके अंदर। कई लोग को कोक पसंद होती है, बट मुझे ये ठीक ठीक लगती है, मतलब पेप्सी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, कोक मुझे थोड़ी ठीक लगती है। जो मुझे सबसे ज़्यादा ठीक लगती है, मतलब सबसे 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 ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है ये मेरी फेवरेट थम्स अप Taste the thunder। गाइस ये खुलेगी। इन सब में ये है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की। ये एकदम अल्टीमेट है ना, एकदम मीठी, और एकदम पीते ही ना एकदम ऐसे ऐसे मुझे ऐसे लगता है एकदम मेरे अंदर खूब सारी एनर्जी आ गई है गाइस। तभी तो बोलते हैं ना ये एकदम बड़े वालों की ड्रिंक है। सो गाइज, अब इन काले काले पानियों से बढ़ते हैं आगे और ट्राई करेंगे कुछ ऑरेंजी ऑरेंजी। सो यहाँ पे मेरे पास है मिरिंडा, जो कि बोलते हैं भाई ऑरेंज 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 फ्लेवर है गाइज, इसका ऑरेंज जूस से कोई लेना देना नहीं है, इसमें डलता है सिर्फ ऑरेंज का फ्लेवर। और गाइज ये मुझे पड़ी है 30 रुपए की। सच बताऊं मुझे ना सेवलॉन जैसी लगती है एकदम, इसकी इसका जो टेस्ट है ना, इसका जो स्मेल है, मुझे सेवलॉन सेवलॉन जैसा लगता है। अब ये मत पूछना मुझसे कमेंट सेक्शन में कि मैम आपने सेवलॉन पिया है क्या। मैंने सेवलॉन नहीं पिया, बट मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि सेवलॉन भी ना ऐसा ही कुछ टेस्ट करता होगा, ऑरेंज फ्लेवर हो गया ना। अब बात करते हैं कुछ लेमन फ्लेवर की। तो यहाँ पे मेरे पास है लिम्का, जो मुझे पड़ा है 20 रुपए का, और इसमें भी ना नींबू का कोई लेना देना नहीं है। लिम्का से ना लाइम याद आता है, मतलब नींबू पड़े होंगे इसमें बहुत सारे, बट इसमें भी ना नींबू का फ्लेवर पड़ा है, नींबू नहीं पड़ा है। बहुत 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 सालों बाद मैंने लिम्का भी है। हाँ, कांच की बोतल में आती थी बचपन में, सच में। इन दोनों में से अगर पूछोगे ना तो मुझे लिम्का ज्यादा पसंद है, मिरिंडा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दो ड्रिंक जो है स्प्राइट और माउंटेन ड्यू। सो गाइस, ये जो स्प्राइट है ना वो कोक बनाता है, और ये जो माउंटेन ड्यू है ये पेप्सी बनाता है। तो हम पियेंगे स्प्राइट। वैसे स्प्राइट से ना मैं बहुत सारे मॉकटेल बनाती हूँ गाइस घर के अंदर। ये एकदम ट्रांसपेरेंट सी ड्रिंक लग रही है मुझे। हाय, स्प्राइट का फ्लेवर तो बड़ा अच्छा है, मतलब इससे आप बहुत सारी अतरंगी फतरंगी सतरंगी मॉकटेल्स बना सकते हैं। डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। आ जाओ, खुल जाओ भैया, खुल जाना।
शाबाश। अरे ये तो खुला ही नहीं, ये तो देखो मेरे खोलने के बाद भी स्टिंग गायब हो गया। ये कैसे पीऊंगी अब? अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। इसीलिए देखो गाइस, ये जो चम्मच है ना, ये जो मेरे औजार हैं, गैजेट हैं, लोकल गैजेट, ये बड़े काम आते हैं मेरे को मेरे वीडियोस में। इसे फिर की टैग लाइन है, डर के आगे जीत है। अगर आपको कभी डर लगे ना तो माउंटेन ड्यू मत पीना, उससे कोई डर आपका नहीं भागेगा, उससे सिर्फ आपका मोटापा बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। सो गाइस, कोल्ड ड्रिंक दिखाने के बाद अब बारी है कोल्ड वाटर दिखाने की। सो यहाँ पे मेरे पास है ये काला पानी और ये सफेद पानी। सफेद पानी तो क्या, ट्रांसपेरेंट पानी। तो चलो भाई, पहले बात करेंगे इस काले काले पानी की, जो मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। मुझे पड़ा है गाइस 60 रुपीज का, और इसका नाम है इवोकस। इवोकस जैसे अबैकस होता था वैसे इवोकस, इवोकस H2O एल्कलाइन वाटर। अरे एल्कलाइन वाटर में ऐसी क्या खास बात है? और इसके अंदर बताते हैं गाइस 70 तरीके के मिनरल्स पड़े हुए। और मिनरल्स बोलते तो है मिनरल्स पड़े, अगर इतने ही मिनरल वाला पानी मुझे पीना है तो मैं यहाँ पे मेरे कुएं का पानी नहीं पीऊंगी। कुएं के पानी में तो गाइस मुझे लगता है 70 से भी ज्यादा बहुत सारे मिनरल्स होते होंगे। चलिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है काला पानी पीने का, तो चलो देखे कैसा। अरे इसमें तो कोई फिज-विज भी नहीं है गाइस, ये तो बड़ा नॉर्मल सा पानी लगा मुझे। पानी में की पानी, हाँ पानी में कैसी फिज नहीं आती होगी, फिज कभी कभी तो। ये तो एकदम पानी जैसा है, ये तो एकदम पानी जैसा है, ये तो एकदम पानी जैसा है। गाइस ये तो एकदम ही टेस्टलेस है। मैं सोच रही हूँ कि भाई इसमें मतलब ये काला काला क्या मिलाया होगा, ये पानी काला कैसे हुआ है? आप मुझे बताओ ये पानी काला कैसे हुआ, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं, एकदम पानी से भी एक्चुअली बेकार टेस्ट आ रहा है। मुझे लग रहा है मेरे 60 रुपए वेस्ट हो गए गाइस। अब हम ट्राई करेंगे ये सफेद मतलब ट्रांसपेरेंट पानी, और ये क्या है, पोलका पॉप। और बोलते हैं भाई ओहो ये तो स्पार्कलिंग वाटर है, कुछ स्पार्कल हो रहे हैं क्या? स्पार्कल तो बस मुझे दिवालियों में दिखता है, फुट 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 फुट। क्रैनबेरी का इन्होंने ना फ्लेवर डाला, अभी पता चलेगा कैसा है। इसमें वैसे फिज है गाइस, है स्पार्कल निकला, स्पार्कल निकला, देखो 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 देखो, स्पार्कल हुआ, स्पार्कल हुआ। और ना क्रैनबेरी की खुशबू तो मुझे यहाँ तक आ रही है। नहीं महक महक तो सब ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है गले में, कड़वा कड़वा लग रहा है, कड़वा कड़वा है, मीठा नहीं है इसमें। और ये दोनों ही लेके मैं बहुत बड़ी बेवकूफ बन गई। ये आप लोग कभी मत पीना, बिल्कुल बेकार है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी इंडियन ड्रिंक, वो है ये जीरू। ओ मेरी नीरू, ओ ओ जीरू। सो गाइस ये है जीरू, जीरू 20 रुपए की, और ये बनी है एप्पल, एप्पल जूस, और इसके अंदर पड़े अपने भर भर के इंडियन मसाले। तो चलो ये देखते हैं। वैसे बोलते हैं इससे क्या पता खाना भी हजम हो जाता है। गाइस हमें लगता है एकदम जो हमारे मसालदान होते हैं ना सब्जी वाले, जिसमें सारे मसाले पड़े होते हैं, उसमें ये सारे मसाले इन्होंने ऐड कर दिए जीरू के अंदर। मतलब जीरे का फ्लेवर तो है, बट उसके साथ साथ कुछ अजीब से चाट मसाले, गरम मसाले, काले मसाले, गोरे मसाले, सब मसाले इन्होंने भर दिए। ये भी कोई खास अच्छा नहीं है, बोलते तो ऐसे खाना हजम होगा, बट मुझे लगता है इसको हजम करने के लिए ना मुझे हाजमोला खानी पड़ेगी। मैं आपको एक और कोल्ड बेवरेज दिखाऊंगी जो इन पानियों से ना बहुत अलग है, सच्ची। ये देखिएगा यहाँ पे है मेरे पास ये नेस्कैफे आइस लाटे। पानियों के साथ साथ थोड़ा सा दूध भी दिखा देना चाहिए ना गाइस। ये वैसे मुझे कितने की पड़ी है? 50 रुपए की। हाय ये बड़ी अच्छी है, मतलब अगर मुझे कोई चॉइस देना कि आपको ये पानी पीने है या कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो मैं अपने 50 रुपए का इसमें खर्च करना ज़रूर चाहूँगी, ना कि इन काले पीले पानियों के। सो गाइस, कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड वाटर के बाद अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सम फ्रूट बेवरेजेस। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आ गया मेरे पास माजा, माजा। एंड ये अब तक का सबसे सस्ता ड्रिंक है, ये मुझे पड़ा है ना सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का। बोलते थे इसके अंदर वैसे आम कम और आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़्यादा डाले हुए। देखिए 10 रुपए में ना आपको ये जुम, ये ऐसी स्ट्रॉ भी देते ताकि आप आराम से इनका जूस पी पाए। बहुत ज़्यादा मीठा है आम का एकदम पक्का फ्लेवर इन्होंने डाला है। वैसे मैं सच बताऊँ 10 रुपए में ये माजा इतना बुरा नहीं है। आप पता है कौन सी ड्रिंक दिखाऊंगी? ये देखो, ये है मेरी बहुत ही कलरफुल सी नीली नीली ड्रिंक। एंड इसका नाम क्या है भाई? ये है देखिए बेजल सीड कॉकटेल ड्रिंक। अरे कॉकटेल ड्रिंक एंड बोलते हैं इसके अंदर ये बहुत सारे फ्रूट्स मिला दिए इन्होंने, लाल, पीले, नीले, हरे। यार इतने सारे फ्रूट्स मिलाए इन्होंने तो इसका कलर नीला कैसे हुआ? एंड गाइस ये बहुत महंगी पड़ी है, मुझे पड़ी 90 रुपए की।
ये तो कुछ जेली जेली जैसा पानी है, बहुत ही अजीब सा, मुझे फ्रूटों का कोई स्वाद नहीं आ रहा। अब मैं दिखाऊंगी आपको ये असली जूस, जूसों का सरताज, जूसों का राजा, ये अनार का जूस जो मैंने लिया है रॉ प्रेसरी से, एंड ये मुझे पड़ा है 150 रुपये का। मतलब इतनी छोटी सी जूस की बॉटल 150 रुपये की आई है, एंड इसमें लिखा है कि नो शुगर एडेड, नो प्रेजर्वेटिव, कुछ भी नहीं। मतलब इसको आपको जब लेना है ना 3-4 दिन के अंदर कंज्यूम कर लीजिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाता है। यार सच्ची एकदम फ्रेश जूस है ये, सीरियसली। मतलब इसको मैं पूरे के पूरे नंबर दूंगी गाइज, महंगा जरूर है बट एकदम हेल्दी जूस है। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं आपको कुछ ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स दिखाने वाली हूँ जो हम स्वाद के लिए नहीं पीते, वो हम पीते हैं टशन मारने के लिए अक्सर लाउंज एंड पब्स के अंदर। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे है मेरे पास बडवाइजर। बडवाइजर सुनते ही आपको बियर की याद आ गई ना, बट ये बडवाइजर है नॉन अल्कोहलिक, और ये मुझे पड़ी है 70 रुपीज की, 70 रुपए की। बहुत ही कड़वी, खट्टी, ऐसा लग रहा है करेले का जूस मिला के पिला देगी मुझे। चलो अब मैं दिखाती हूँ अगली, ये है रेड बुल। क्यों याद आया ना, ये पीते हो ना लाउंज पब में, पीते हो ना आप लोग भी ये, वैसे बोलते हैं इसको पीते ही आप एकदम बुल की तरह बन जाओगे। बुल मतलब एकदम एनर्जी से भरपूर बन जाओगे। हाँ गाइस, वैसे बुल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बैल या सांड? या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसको पी के आप बैल बनते हो या सांड बनते हो। वैसे बैल तो सीधा होता है, पक्का सांड बनते होगे, और सांड जब पागल हो जाता है तो कैसे गली में घूमते ऐसे। हाँ गाइस ये आप पी लेना, 115 रुपये जरूर लगेंगे, ये तो MRP है। लाउंज में पियोगे तो ये ड्रिंक आपको 300-400 रुपये की आराम से चिपका देते होंगे। अब पीऊँगी मैं अब तक की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रिंक गाइस, वो है ये जिंजर एल। और ये तो ड्राई जिंजर एल लिखा है, पर ये तो पानी वाला जिंजर एल है ना। फ्लाइटों में जाते हैं ना, अब्रॉड जाते हैं ना, तो फ्री में मिलती है फ्लाइट के अंदर। और अभी मुझे कितने की पड़ी है, हाँ 175 रुपीज़ की। हाय हाय यार सच्ची, और ये महंगी ज़रूर है पर है बड़ी गजब की। इसके अंदर ना एकदम हनी जिंजर वाला जैसे स्वाद आता है ना, वो अपन घर में कैसे काढ़ा बनाते हैं जब अपना गला खराब हो जाता है, उसमें डालते हैं बहुत सारे मसाले, उन मसाले को आप ऐसे साइड कर देना, उसके बाद जो जिंजर और हनी बचता है ना, पानी बचता है, वो थोड़ा ऐसा ही होगा। सो गाइज आई होप यू मस्ट हैव लाइक माई वीडियो। तो भाई जल्दी से जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वैसे इन सारे कोल्ड ड्रिंक्स में से ना मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारे जो सोडा और बेवरेजेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसे मोटापा ही बढ़ाते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको प्यास लगे ना तो सिर्फ और सिर्फ पानी पीना। याद है करीना कपूर ने क्या कहा था, पानी का काम तो पानी करता है। तो गाइस पानी से अच्छा कुछ भी नहीं। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग, बाय।